हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मनी प्लांट में जो मॉस स्टिक लगाते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा और नहीं तो मैं बताती हूँ कि मॉस स्टिक जो है वो मनी प्लांट को या कोई भी जैसे ऐसी वाइन वगैरह होती है उनको बहुत सपोर्ट करती है, बहुत अच्छी ग्रोथ में हेल्प करती है। इनकी जो एरियल रूट्स होती हैं वो इससे जो है इसे कनेक्ट हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, और उसके बाद आप जब वाटरिंग करेंगे या कुछ भी है तो वो उससे जो है मतलब पोषण लेती रहती हैं। या कहना चाहिए कि अब जैसे आप पानी डालें, मैंने पहले भी बताया था पानी डालें तो मॉस स्टिक को अच्छे से आप ज़रूर गीला करें तो बाद तक उसमें ह्यूमिडिटी और कूलिंग बनी रहेगी। तो क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि ये मेरा मनी प्लांट जैसे कि आप देख ही रहे हैं तो कटिंग करती रही, बुशी होता रहा, तो इधर उधर से बहुत सारी ब्रांचेज अच्छे से ग्रो हो रही हैं, लंबा होता जा रहा है, लेकिन मॉस स्टिक छोटी है। मैं इसको रिपोर्ट नहीं करने वाली अभी, मुझे इसमें ये ठीक लग रहा है और ये बहुत सही से मेरे को कंफर्टेबल लगता है होप प्लांटर अपना, तो ये अच्छे से हैंग हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ, मतलब ट्राई कर रही हूँ मैं भी, और मैं इसमें सक्सेसफुल हुई तो ये मैंने क्या किया है कि मॉस स्टिक आपने देखा पहले मतलब आगे कि छोटी थी तो मैंने उसमें अडब बच्चे नहीं थे तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर नहीं दिखा पाई। कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, बस आपको मॉस स्टिक एक मॉस स्टिक से दूसरी मॉस स्टिक को अच्छे से जोड़ देना है। ये देखिए मैंने 20 से जोड़ दिया और उसको जस्ट डबल बना दिया, पॉट में ही रखे रखे। वैसे क्या होता है, अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, मनी प्लांट किसी बड़े पॉट में लगा रहे हैं आप तो पहले से ही बड़ी मॉस स्टिक्स आती हैं, नर्सरी में मिलती हैं, या जैसे कि मेरा एक वीडियो है आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, तो वैसे आप मॉस स्टिक बना सकते हैं। मैंने उसमें पतली छोटी बनाई है छोटे प्लांटर्स के लिए, उसी को आप बड़ा और थिक रूप दे सकते हैं तो ये बहुत ईजिली हो जाएगा। थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें हमने पतली लेयरिंग ज़्यादा कर देंगे, या जैसे जो भी आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप और ज़्यादा थिक कर दीजिए, उसके अंदर कोको कोए भर दीजिए। तो उस तरीके से आप, ये देखिए इतनी लंबी हो गई और ये लुक कैसा लग रहा है। पहले मैंने इसकी सारी ब्रांचेस खोल रखी थी, बच्चे नहीं हैं तो सब कुछ मैं अपने आप ही, बच्चे एक्चुअली बिजी हैं, उनके यूटी चल रहे हैं और बाकी प्रेजेंटेशन वगैरह ऑनलाइन, तो मैं खुद ही बना रही हूँ। ये देखिए ऊपर तक आ गया, ये इससे भी ऊपर जाएगा, तो मैं उसको मतलब फिर से मोड़ के नीचे ही ले लूँगी और मैं उसको बहुत अच्छा सा एक लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। काम चल रहा है इस पर, आगे मैं आपसे अपडेट शेयर करती रहूँगी अपनी और वीडियो में। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिए, ताकि उनके, अगर मेरा वीडियो यूजफुल है तो उनके भी काम आए। और तो बस इस तरीके से इसको देखिए, लुक बहुत प्यारा लुक आएगा। और ये ऐसे हुक हैंगिंग प्लांटर्स आते हैं ये रेलिंग के लिए या ग्रिल के लिए, ये देखिए ग्रिल पे मैंने इसे ऐसे हैंग कर दिया, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है कैरी करने में भी, मतलब इसको आराम से आप उठा लीजिए। अगर आपको जैसे बाथरूम में ले जाना है इसको वॉश वॉश करने के लिए, मनी प्लांट में मैं अभी इसमें भी बता दे रही हूँ फिर से, मनी प्लांट भले ही वाटर में भी ग्रो होता है, प्रोपोगेट होता है, बट आप इसको पानी सोच समझ के ही दीजिए। जब इसकी सॉइल, हर प्लांट को की रिक्वायरमेंट यही होती है, ओवर वाटरिंग किसी को भी नहीं पसंद होती है, सिर्फ जो ज़मीन पर लगे हुए हैं, क्योंकि धरती माता अपने में पानी होल्ड कर लेती हैं, तो इस बात का हमको सबको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इसको अभी तो ह्यूमिडिटी चल रही है, बारिश का मौसम है, वैसे से गर्मी में थोड़ा स्प्रे कर दें जब ड्राई मौसम होता है, वो इसको पसंद होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं और मेरे बच्चे एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अच्छे अच्छे कॉमेंट करिए और वीडियो मेरा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो पे काम चल रहा है, आई होप आपको हमारी आने वाली वीडियो भी पसंद आएगी और काम आएगी। मेरे बच्चे भी मेरे साथ उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को पसंद करते रहिए, मेरे को सपोर्ट करते रहिए और लाइक और शेयर तो करना बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड्स। आप जब लाइक करते हैं, मेरे वीडियोस पे लाइक आती हैं, ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, कमेंट्स आते हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझको आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।